हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज़ ज़ीरो टू इन्फिनीटी इस सीरीज़ में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चैप्टर वन हमारा चल रहा है जिसमें हम रेशियो प्रोपोर्शन और वेरिएशन कर रहे हैं अभी तक हमने सेवन लेक्चर ऑलरेडी ले डिलीवर कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहाँ पर जाके आप बेसिक लेक्चर को देख सकते हैं आज हम लेक्चर एट करने वाले हैं और इस लेक्चर एट में हम लोग हॉल एंड नाइट जो बुक है हमारे पास उस बुक का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे जो स्टैंडर्ड वाइज कैट के लेवल का है और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करता है ओके तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है ये स्वीड एट द एलिमिनेट ऑफ हमारे पास तीन इक्वेशन है और इसमें हमें एलिमिनेशन करना है एक्स वाई एंड जेड का अब यहाँ पे जो स्वी है ये फॉरेन बुक है इसलिए शो नहीं होगी शू है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमें दिखाना है कि हमारे पास तीन इक्वेशन है राइट right? और वो तीन इक्वेशन कौन कौन से हैं डेट इज ए एक्स ओके ए एक्स प्लस सी वाई सी हेयर दिस इज ए एक्स प्लस सी वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू जीरो दूसरा है सी एक्स प्लस बी वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू जीरो और थर्ड इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो और हमें शो करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और आप देखेंगे कि ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है और इतने इजी से ये प्रूफ हो जाएगा रेशियो को के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके तो चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा हमने इसको इक्वेशन सेकेंड का और ये हमारा समीकरण थर्ड हो गया ठीक है अब अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में तो कॉफिशियंट ऑफ बी इज सी वाई इज सी कॉफिशियंट ऑफ जेड इज बी कॉफिशियंट ऑफ एक्स इज ए एंड कॉफिशियट ऑफ वाई इज सी सो ये कॉफिशियंट को हमने लिख लिया सी ए सी बी ए सी मतलब पहले हमने लिखा देखिए यहां पे पहले हमने c को लिखा जिस कॉफिशियट ऑफ y को फिर कॉफिसियंट ऑफ z को फिर कॉफिसियंट ऑफ x को फिर कॉफिशेंट ऑफ y को सिमिलरली फॉर सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं b a c b ओके okay? तो ये कॉफिशियंट है अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे x ओवर जो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था थ्योरी में आप डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का थ्योरी वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है तो हम रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से सो एक्स ओवर ए सी माइनस बी इंटू बी डेट इज बी स्क्वायर सो दिस इज ए सी माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वाई ओवर बी सी माइनस ए स्क्वायर सो वी कैन राइट हेयर बी सी माइनस ए स्क्वायर एंड जेड इज ओवर जेड के लिए हम क्या लिखेंगे ए इंटू बी माइनस सी स्क्वायर डेट इज है तीनों सो दिस कैन बी रिटर्न एज के सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू के इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू के इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर अब यहाँ पर हमारे एक्स वाई और जेड का प्रोपोर्शनल वैल्यू आया ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं एक्चुअल वैल्यू नहीं ये प्रोपोर्शनल वैल्यू जब भी हमारे पास दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है तो हम वहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन यहाँ पे गिवेन है और हमें क्या फाइंड करना है एलिमिनेंट फाइंड करना है इस तीनों इक्वेशन का सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स

सी स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू जीरो जीरो हमने कर दिया अब यहाँ पे के को कॉमन ले लेते हैं चलिए के को कॉमन ले लिया अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू ए सी तो ये हमारा बन जाएगा ए बी सी माइनस बी क्यू यहाँ पे हमने A, K को कॉमन ले लिया फिर ए इंटू बी सी बन जाएगा सो दिस इज ए बी सी माइनस ए क्यू माइन प्लस सी को कॉमन ले लिया तो सी इंटू ए बी डेट इज ए बी सी माइनस c इंटू सी स्क्वायर डॉट एज सी क्यू इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे ये इक्वल आप जीरो कर लेंगे यहाँ पे ठीक है अब k चला जाएगा जीरो में क्योंकि फैक्टर है तो k इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा एक ए बी सी दो ए बी सी तीन ए बी सी सो वी कैन राइट हेयर थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो और इसी को हम अरेंज करके लिखेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू ओके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ले लिया कॉमन माइनस थ्री ए बी सी हो जाएगा ये दिस इज इक्वल टू जीरो तो यही हमें फाइंड आउट करना था तो यहां पे देखिए रेशियो को यूज करके हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन किसमें हो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन में हो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है कि एक ऐसा इक्वेशन का सेट जिसमें एक्स वाई जेड के पावर का सम हर टर्म में सेम हो तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है इस तरह से तो हम एक्स वाई की रेशियो को निकाल सकते हैं और एक्स को हम एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू आएगा रेशियो के टर्म में तो उसे हम के के टर्म में ले लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है और उसे हम उस इक्वेशन में डालेंगे जिस इक् जो इक्वेशन डिफरेंट टाइप का हो और डिफरेंट टाइप का होमोजीनियस इक्वेशन होगा वहाँ से हम फिर एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती है जब हमारे पास के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो तो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये जो कि रेशियो के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता था और साथ साथ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला इस क्वेश्चन में भी इलिमिनेट करना है एक्स वाई एंड जेड को मतलब यहाँ पे आपको ए एच और जी में क्या निकालना है हमें रिलेशन निकालना है सो so, तीन इक्वेशन हमारे पास गिवन है इक्वेशन को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का हम कॉफिशेंट यहाँ पे लिखते हैं एच जी एच ओके और सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा बी एफ देखिए ध्यान से बी एफ एच बी ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का हो गया अब आपको क्या जी एच माइनस ए एफ और ए बी माइनस एच स्क्वायर और इसको करना है के के बराबर और यहां से एक्स की वैल्यू जैसा हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था एक्स की वैल्यू फाइंड करके आपको इक्वेशन थर्ड में रखना है और वहां पे इलिमिनेट करके हमें एक फैक्टर के फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा वही हमारा इलिमिनेट होगा इलिमिनेशन क्या होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स ना हो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया आपके लिए ये होमवर्क है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन को देखिए इफ एक्स इज इक्वल टू ध्यान से देखेंगे सी वाई है वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी एक्स है और z इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई है तो यहाँ पे हमें x a में y b में और z c में रिलेशन को फाइंड आउट करना है और ये रेशियो हमें बराबर करना है कि ये रेशियो बराबर हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख लेंगे x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू जीरो वाई अब यहाँ पे हम इसी को लिखेंगे एक्स के नीचे एक्स लिखेंगे एक्स माइनस वाई प्लस ए जैड इज इक्वल टू जीरो और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस ए वाई ओके माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे हम कॉफिशियंट लिखना चाहते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो जाएगा एक्स कॉफिशियंट वन वाई का माइनस सी z का माइनस b तो यहाँ पे हम b से लिखेंगे कॉफिशियंट ऑफ y से लेके लिखेंगे सो कॉफिशेंट ऑफ y इज माइनस c ओके okay? उसके बाद हो जाएगा माइनस b a का हो जाएगा वन और फिर माइनस c y के लिए सेकंड इक्वेशन के लिए y का कोफिसियंट कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस ए ओके और माइनस वन प्लस ए और ये हो जाएगा प्लस सी और ये हो जाएगा माइनस वन अब इस दोनों से रेशियो निकालते हैं हम एक्स ओवर ए सी माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस माइनस माइनस वन इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा प्लस बी सो दिस इज प्लस बी तो यहाँ पे माइनस ए सी माइनस बी हो जाएगा वाई के लिए अगर हम लिखेंगे तो माइनस बी सी माइनस ए हो जाएगा और जेड के लिए लिखेंगे तो जेड uh, ओवर वन इंटू वन तो माइनस वन माइनस 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 प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा सो दिस इज इक्वल टू सपोज दिस इज इक्वल टू के ये एक रेशियो आ गया अब अगर हम थर्ड इक्वेशन के लिए लिखना चाहें ठीक है ये फर्स्ट और सेकंड के लिए हो गया अब थर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बी कॉफिशेंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए A, A के बाद माइनस वन माइनस वन के बाद बी और बी के बाद क्या आ जाएगा हमारा ए सो so, अगर हमने फर्स्ट वाले में फर्स्ट और सेकेंड को लिया सेकेंड वाले में इस वाले में अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को देखें तो एक्स ओवर सी इंटू वन माइनस वन सो दिस इज सी माइनस माइनस प्लस ए बी ओके तो एक्स ओवर सी प्लस ए बी आ गया फर्स्ट एंड थर्ड से ये थर्ड इक्वेशन का हम कोफिशिएंट कर रहे हैं फिर हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस बी इंटू बी सो माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओके और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस वन हो जाएगा ये तो वन माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से uh, इसके लिए लिखेंगे तो ए ध्यान से जेड ओवर ये हो जाएगा वन इंटू ए ऐसे मल्टीप्लाई होगा सो ए माइनस माइनस प्लस बी सी सो ए प्लस बी सी हो गया और ये भी एक रेशियो के बराबर हो गया अब ये दो रेशियो बराबर हो गया और हमें रिलेशन क्या फाइंड करना है अगर हम यहां पे देखें कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस सी स्क्वायर है तो एक काम करते हैं इस वाले रेशियो को करस्पोंडिंगली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा देखिए ध्यान से देखेंगे y ओवर ये रेशियो में अगर हम माइनस को कॉमन कौ, लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो नया रेशियो आएगा वो यहाँ पे मैं ऊपर में लिख लेता हूँ सो दिस इज इक्वल टू y ओवर a प्लस बी सी दिस इज इक्वल टू z ओवर वन माइनस सी स्क्वायर ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया और सेकेंड वाले के लिए अगर हम लिखें वाई तो ये वन माइनस बी स्क्वायर ओके सो दिस इज इक्वल टू जेड ए माइनस बी ए प्लस बी सी अब इसको करस्पोंडिंगली मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा ध्यान से देखिए एक स्लाइड ले लेता हूँ पहले ओके सो वी कैन टेक अनदर स्लाइड सो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं क्या हो जाएगा वाई ओवर ए प्लस बी सी सो वी कैन राइट हेयर वाई ओवर ए प्लस बी सी ये फर्स्ट रेशियो का मल्टीप्लाई बाई सेकेंड रेशियो का वाई ओवर वन माइनस बी स्क्वायर सो वाई ओवर वन माइनस बी स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू इधर हो जाएगा जेड ओवर वन माइनस सी स्क्वायर सो जैड ओवर वन माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा जेड ओवर ए प्लस बी सी सो जेड ओवर ए प्लस बी सी सो ए प्लस बी सी ए प्लस बी सी कैंसिल हो गया वी कैन राइट हेयर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ओवर वन माइनस सी स्क्वायर तो ये जो रिलेशन है ये ये लास्ट का जो दो रिलेशन है हमारे पास हमने कौन कौन सा इक्वेशन लिया इक्वेशन वन और थर्ड को लिया अब हम इक्वेशन uh, वन और सेकेंड को लेके किया और इक्वेशन वन और थर्ड को लेके किया अब एक इक्वेशन इसी तरह रेशियो बनाएंगे सेकेंड एंड थर्ड को लेके करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्वायर डिवाइड बाई वन माइनस ए स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा तो ये चीज़ मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ कि प्लीज़ आप इसको खुद से ट्राई कीजिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी फाइन होता चला जाए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तो जब आप इसे करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप करके देखना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखने को लग रहा है कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है बट इजी वे में हो जाएगा हमारे पास गिवेन है एक्स ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर बी इज इक्वल टू जेड ओवर सी तो एक्स दिस कैन बी रिटेन एज यहाँ पे स्पेस बचा लेते के सो एक्स इज ए के वी कैन राइट हेयर वाई इज इक्वल टू बी के लिख सकते हैं और जेड इज इक्वल टू सी के ये हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड कर लिया अब आप देखिए एक्स क्यू ओवर ए क्यू की बात करें एक्स क्यू प्लस ए क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की अगर हम बात करें सो वी कैन डाइट हेयर ए क्यू इन टू के क्यू प्लस ये हमारा एक्स की वैल्यू ए के डाला तो हमने क्या हो गया ए के प्लस के क्यू प्लस ए क्यू डिवाइड बाई एक्स की जगह हम क्या डालेंगे ए के सो दिस इज इक्वल टू ए के स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो so, यहाँ से हम लोग ए क्यू कॉमन ले लेते हैं सो दिस इज के क्यू प्लस वन और नीचे से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सो दिस इज के स्क्वायर प्लस वन ये कैंसिल होके हमारा आ जाएगा ए इंटू के क्यू प्लस वन डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस वन ये हमारा एक्स क्यू प्लस वाई एक्स क्यू प्लस ए क्यू डिवाइड बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए हो गया सिमिलरली वाई क्यू ध्यान से देखेंगे वाई क्यू प्लस बी क्यू डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके लिए हमारा हो जाएगा b इंटू के क्यू प्लस वन डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस वन और थर्ड हो जाएगा हमारा हमारा थर्ड क्या है जेड क्यू प्लस सी क्यू वी कैन येड क्यू प्लस सी क्यू डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सो अगेन ये हमारा हो जाएगा क्या Z की जगह C यहाँ पे C आ जाएगा के क्यू प्लस वन डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस वन अब यहाँ पे हमें तीनों को ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से के क्यू प्लस वन डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस वन क्या है कॉमन है कॉमन ले लेंगे तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी हो गया तो ये हमारा एल एच एस वाला पार्ट सिंप्लीफाई करके हो गया ओके सिमिलरली आपको यहाँ पे आर एच एस के लिए हमें क्या करना है राइट हैंड साइड में देखिए ध्यान से x इज इक्वल टू ए के देखिए आर एच एस अगर करते हैं ए के प्लस वाई इज इक्वल टू बी के प्लस जेड इज इक्वल टू सी के का होल क्यू आप यहाँ पे करेंगे ओके राइट प्लस x इज इक्वल टू ए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी है सो दिस इज ए क्यू और यहाँ पे एक्स 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 प्लस तो यहाँ पे ए के प्लस बी के प्लस सी के का स्क्वायर आपको करना है क्योंकि नीचे में स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अब देखिए यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा के कॉमन ले लेंगे तो के क्यू और ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू तो कुछ इसी तरह का फॉर्म आ जाएगा आपको दो स्टेप और भी और आपको कॉमन लेके करना है आप कर लें आराम से इसका प्रूफ आ जाएगा कि ये इस, इस ये आर एच एस के क्यू प्लस वन डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस वन इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है क्योंकि ऊपर और नीचे ये कट जाएगा देखने से क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है बहुत ईजी आप दो स्टेप इस और इसमें कीजिए आपके पास प्रूफ आ जाएगा थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे के छोड़ रहा हूँ जो क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हो उसमें मैं छोड़ देता हूँ जिससे कि आप क्या करें उसको प्रैक्टिस कर सकें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और ये हम बात कर रहे थे सबसे पहले स्लाइड में होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में तो होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में हमने बताया था कि कोई भी इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म का अगर हम लिखें कि पी एक्स y वाई जैड प्लस क्यू वाई स्क्वायर एक्स जेड प्लस जैड इंटू पी क्यू एम लेते हैं एम एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो तो अब देखिए यहां पे ये तीन वेरिएबल है ये तीन वेरिएबल है और ये तीन वेरिएबल है पी क्यू एम क्या है हमारा कोफिसियंट है ओके सो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है कि अगर सम पावर ऑफ वेरिएबल्स डेट इज टू प्लस वन प्लस वन फर्स्ट में इस टर्म में अगर हम बात करें सम ऑफ पावर वेरिएबल कितना हो गया फोर सेकेंड टर्म में भी बात करें सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल टू प्लस वन प्लस वन ये भी फोर हो गया थर्ड टर्म में भी बात करें तो टू प्लस वन प्लस वन ये भी हमारा फोर हो गया तो सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें और वो हर एक टर्म में सेम हो तो ऐसे इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं ओके okay? तो ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन का टाइप होगा तो होमोजीनियस इक्वेशन जब भी हमारे पास आएगा तो उसमें हम एक्स वाई और जेड की रेशियो को फाइंड करेंगे सबसे पहले और सॉल्व करने के लिए जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो एक्स के टर्म में के के टर्म में एक्स की वैल्यू आ जाएगी के के टर्म में वाई की वैल्यू आ जाएगी और के के टर्म में जेड की वैल्यू आ जाएगी जब हमारे पास के के टर्म में वेरिएबल्स का वैल्यू आ जाएगा तब हम उस के के टर्म वाले वेरिएबल के वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे या इंडिपेंडेंट कोई दूसरे इक्वेशन में पुट करके हम के की वैल्यू निकालेंगे जब के की वैल्यू निकल जाएगा फिर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास तीन इक्वेशन है सपोज दिस दिस इज इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वेशन सेकंड और दिस इज इक्वेशन थर्ड ओके तीन इक्वेशन है सो कॉफी सियट हम लिखते हैं uh, किससे लिखेंगे वाई स्क्वायर से पहला वाला नहीं लिखता माइनस टू फाइव थ्री माइनस टू माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन ओके सेवन और माइनस थ्री सो यहां पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई पंद्रह दूना तीस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये पंद्रह पैंतालीस हो गया ओके सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सात पच्चे पैंतीस माइनस पंद्रह पैंतालीस ओके और इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर है वेरिएबल यहाँ पे जो होगा एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स एक्वायर ही लिखेंगे एक्स रहेगा अगर वेरिएबल तब एक्स लिखेंगे वाई क्यू अगर रहेगा एक्स क्यू रहेगा तो हम एक्स क्यू का वेरिएबल लिखेंगे ओके सो जेड स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा तीन तिया नौ तो माइनस नौ और ये प्लस कितना हो गया चौदह इसको सिंपलीफाई किया सात दो चौदह प्लस चौदह हो जाएगा सो so, देखिए पंद्रह दुना तीस और माइनस पाँच थी या पंद्रह हो गया पा, सॉरी पाँच थी पंद्रह होगा ठीक है सो एक्स एक्वायर ओवर पैंतालीस ओके राइट एक्स एक्वायर इज ओवर पैंतालीस एड होके दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा अस्सी और आगे चलते हैं दिस इज जेड स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा नौ पाँच चौदह अब इसको हम थोड़ा सा सिम्पलीफाई करेंगे सो so ये वन हो जाएगा ये हमारा सोलह पंच अस्सी हो जाएगा और ये हमारा पाँच से किए तो पाँच नंबर पैंतालीस हो जाएगा सो दिस इज इक्वल टू के मान लें सो एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ से दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि स्क्वायर में है सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन के स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन के स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर ये आ गया मतलब x की वैल्यू हम लिख सकते हैं नाइन थ्री के वाई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं फोर के एंड जेड की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं k ओके okay? तो ये हमारा x y और z की वैल्यू किसके टर्म में आ गया ये हमारा आ गया k के टर्म में अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे सो फाइव इंटू थ्री एक्स माइनस फोर इंटू सॉरी ये थ्री के हो जाएगा फोर इंटू फोर के ओके प्लस सेवन इंटू जेड इज इक्वल टू के सो दिस इज इक्वल टू सिक्स अब यहाँ पे हम ये पंद्रह के हो जाएगा माइनस सोलह के हो जाएगा और प्लस सेवन ये क्या होगा के हो जाएगा सो दिस इज इक्वल टू सिक्स अब पंद्रह में तो ये हमारा कितना बच गया ध्यान से देखेंगे सिक्स के इज इक्वल टू सिक्स तो के इज इक्वल टू हमारा वन आ गया ओके तो जब हमारे पास के इज इक्वल टू वन आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे के की वैल्यू एक्स और वाई और जेड हमें फाइंड करना तो के की वैल्यू वन डालेंगे तो ये तीन आ जाएगा के की वैल्यू अगर वन डालेंगे वाई फोर हो जाएगा के की वैल्यू अगर वन डालेंगे तो जेड क्या हो जाएगा वन आ जाएगा तो जो सॉल्यूशन हो गया ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू फोर जेड इज इक्वल टू वन सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का ओके अब आप इसे पुट करके भी देख सकते हैं कि क्या ये हमारे तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है तो रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो होमोजीनियस इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमारे पास वेरिएबल और होमोजीनियस इक्वेशन हाइयर पावर में हो तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है जिससे कि आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करना है इसमें ज़रा देखिए ये वाला भी क्वेश्चन हमें इसमें फाइंड करना है एक्स वाई और जेड को और इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन तो मैं नहीं करूँगा बट थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि आप आसानी से कर सकें देखिए वाई जेड है जेड एक्स है और एक्स वाई है सो आप पहले से रीअरेंज करके लिख ले सेवन वाई जेड माइनस प्लस थ्री जेड एक्स माइनस फोर एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हम वाई जेड के नीचे हम सिर्फ वाई जेड का भी पार्ट लिखेंगे कॉफिशेंट चेंज नहीं होना चाहिए वेरिएबल सो वाई जेड और ये जेड एक्स है सो माइनस थ्री जेड एक्स और माइनस फोर एक्स वाई दिस इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे हमारे पास x है यहाँ पे हमारा टू वाई है प्लस थ्री जेड है इज इक्वल टू नाइनटीन ओके अब हमें यहाँ पे इसमें x, y और z की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या करना है आपने कॉफिशियट पहले लिखिए ये कितना हो जाएगा थ्री माइनस फोर ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड इस दोनों का कॉफिशियट लिखेंगे B का हो गया C का हो गया माइनस फोर फिर A और फिर थ्री सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा अगेन दिस इज माइनस थ्री और माइनस फोर ये ट्वेंटी वन और ये माइनस थ्री अब जो रेशियो निकलेगा ध्यान से देखिए वाई जेड ये वेरिएबल कौन सा है वाई जेड तो वाई जेड का वेरिएबल रेशियो निकलेगा यहाँ पे हमारे पास जेड एक्स करेंगे ठीक है और फिर यहाँ पे हम एक्स वाई करेंगे और इसके नीचे कोई वैल्यू आएगा ओके यहाँ से वैल्यू आ जाएगा और इसको हम कहेंगे के तो आप यहाँ पे देखिए यह कितना हो जाएगा चारतिया बारह माइनस चारतिया बारह तो ये माइनस बारह समथिंग और ये क्या जाएगा माइनस बारह तो दिस इज माइनस चौबीस हो जाएगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू जेड एक्स की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू के के टर्म में तो आपके पास एक्स वाई ओके इज इक्वल टू समथिंग वाई जेड इज इक्वल टू समथिंग और जेड एक्स इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग तो हम एक्स वाई जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ गया हमारा क्या चीज़ एक्स वाई जेड की वैल्यू अब इस एक्स वाई जेड को किससे डिवाइड करना है हमें एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो जेड आ जाएगा इस एक्स वाई जेड को वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा और इस एक्स वाई जेड को अगर जेड एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वाई और ये तीनों हमारा किस टर्म में होगा कॉन्स्टेंट के के टर्म में होगा अब इस तीनों को पुट करके हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे जैसे ये पुट करेंगे यहां पे तो k के, के टर्म में हमारा k की वैल्यू आ जाएगी और जैसे ही k की वैल्यू आ गई तो x, y और z की वैल्यू को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं तो टोटल का टोटल माइथोलॉजी जो है इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रेशियो के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और सारा का सारा, सारा स्टेप इसी तरह रहता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट कि होमोजीनियस इक्वेशन होना चाहिए अगर वेरिएबल हो जाएगा वेरिएबल के पावर में कोई चेंजिंग आ जाएगा तो क्वेश्चन फिर दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा हमें okay? ओके चलते हैं नेक्स्ट पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व अब इसमें क्या करना है सॉल्व करना है इसमें भी कुछ नहीं करना ये दो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन दो इक्वेशन ले लिया फिर एक्स का रेशियो वाई का रेशियो और जेड का रेशियो आपको फाइंड करना है के के टर्म में इस के के टर्म में निकालने के बाद एक्स वाई जेड को हमको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है और वहां से हमारा के की वैल्यू आ जाएगी जैसे ही के की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड की वैल्यू आराम से आ जाएगा तो आप इसे कर सकते हैं बहुत ईजी है ये नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन तो यहाँ पे हम देखें दो तरह के इक्वेशन है हमारे पास एक ये वाला है और एक ये वाला है ओके okay? और ये प्रोपोर्शनल वाला तो पहले ये सॉल्व द इक्वेशन देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट को प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो लेक्चर है वो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आप वहाँ से एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए कि प्रोपोर्शन में क्या क्या है तो जनरली हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो करते हैं क्यों करते हैं कैसा फॉर्म होगा जो करेगा ये सारा कुछ डिस्कस किया जा चुका है उसमें आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं सो so, आप देखिए कि प्रोपोर्शन में कम्पोनेडो और डिविडेंडो क्या होता है कि अगर कोई रेशियो है हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी मतलब चार क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है तो कॉम्पोनेडो और डिविडेंडो होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी ये हमारा कॉम्पोनेडो और डिविडेंडो होता है इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ये वा, ये वाला क्वेश्चन में भी ये होमवर्क के लिए मैं दे दूँगा यही चीज़ यूज होगा एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे टाइम बहुत कम होता है सो वी कैन राइट हेयर सी दिस वन टू एक्स क्यू प्लस थ्री यहाँ माइनस है इसको इरेज कर लेता हूँ सो दिस इज माइनस थ्री एक्स एक्वायर माइनस थ्री एक्स एक्वायर प्लस एक्स प्लस वन ओके इसको यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेता तो ऐसा क्यों क्या पता चल जाएगा तो यहाँ पर टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स एक्वायर ब्रैकेट बंद और ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉमन अगर लेते हैं एक्स प्लस वन हो गया ओके सो दिस इज इक्वल टू गेन आप देखेंगे थ्री एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर ये अगर हम ब्रैकेट में ले लिए प्लस फाइव एक्स माइनस थर्टीन डिवाइड बाय थ्री एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो फाइव एक्स माइनस थर्टीन हो गया तो कुछ सिमेट्रिकल तरह का लग रहा है अब हम कंपोनेंटो और डिविडेंडो यूज करेंगे सो so, ये हमारा हो जाएगा ध्यान से देखेंगे कि टू एक्स क्यू अब यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ मैं काम करते हैं कि इस वाले पार्ट को ज़्यादा नहीं लिखेंगे इस वाले पार्ट को हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज ओके और दिस इज बी ओके तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा ओके okay? और इस वाले पार्ट को हम मान लेते हैं कि दिस इज सी दिस इज डी तो ये भी हमारा सी हो जाएगा और ये भी हमारा डी हो जाएगा अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो को रिवर्स में जाकर देखेंगे कि अगर ए ओवर बी है तो ऊपर में क्या हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी इसको रिवर्स अगर लेके चलते हैं तो हमारा अगर ये है इस तरह का फॉर्म है हमारे पास ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी सो दिस इज इक्वल टू ए ओवर

क्या हम लोग कर सकते हैं कि इसे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजिली कोई दिक्कत नहीं होगा आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं ठीक है सो so हमारे पास टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स प्लस वन ओके माइनस दिस इज इक्वल टू अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन तो यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ पे कहेंगे कि एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा इज़ इक्वल टू जीरो इज अ फैक्टर तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ सॉल्यूशन तो एक्स इज इक्वल टू जीरो भी एक इसका सॉल्यूशन होगा और अगर हम इसको जीरो में ले जाएंगे तो यहाँ पे हम फैक्टर लेकर जीरो कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का जाएगा टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाई आ जाएगा यहां पे फाइव एक्स माइनस थर्टीन है एक्स प्लस वन नहीं है सो दिस इज फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थर्टीन सो फाइव एक्स माइनस क्या हो जाएगा अब आपने क्या करना है एलसीएम लेना है एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर हम यहीं पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें और x के टर्म में आ जाएगा इक्वेशन वहां पे जो भी कॉमन होगा x का पार्ट आप उसे कैंसिल कर सकते हैं और सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा x का और आप उसे सॉल्व कर लीजिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि हम एक एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकाल के बताएंगे क्यों क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा क्वेश्चन है इतना ज़्यादा सिलेबस है और वीडियो आधा या चालीस मिनट का बनता आधा घंटे या चालीस मिनट का बनता तो हम इतना नहीं कर सकते हैं सो so, ये आपके लिए है कि प्लीज़ आप जाइए इसे इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए साइमल्टेनियस इक्वेशन आता है उसका वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं वहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि एक्स की वैल्यू क्या आती है ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एम प्लस एन इंटू एक्स माइनस है तो ये भी आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ईजी है ज़्यादा कोई टफ नहीं है इसमें एक क्वेश्चन रेशियो रिश्त प्रोपोर्शन का ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ओवर ए ये प्रूफ करना है तो चलिए इसको पकड़ते हैं हम लोग यहाँ से ए प्लस डी आप देखेंगे माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी डिवाइड बाई ए यही प्रूफ करना है ना अब देखिए वी हैव हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम ए इंटू ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी करना चाहें सो so, ये हमारा क्या आएगा ध्यान से देखिए ए इंटू ए सो दिस इज ए स्क्वायर ओके और ए इंटू डी सो हम लोग लिखेंगे ए इंटू डी माइनस ए इंटू बी माइनस ए सी अभी हम सिर्फ ये चीज़ ले रहे हैं अपने हिसाब से ले रहे हैं ठीक है क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है सो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू डेट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रीम हम एक्सट्रीम कर सकते हैं सो so, ये हमारा हो गया बी सी इज इक्वल टू ए डी क्या हो गया बी सी इज इक्वल टू ए डी सो यहां पे ए डी की वैल्यू अगर हम बी सी कर दें बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी कर दें कोई फर्क पड़ता है नहीं फर्क फर्क पड़ता है अब ये ए स्क्वायर माइनस ए बी में हम ए को कॉमन ले लिया तो बचा क्या ए माइनस बी प्लस इस बी सी में हमने बी सी और ए सी में सी को कॉमन ले लिया ठीक है किसको कॉमन ले लिया बी सी और इसमें तो हम हमने क्या कॉमन ले लिया बी सी और ए सी में सी को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा बी माइनस ए एक मिनट का so, सो वी कैन टेक सी एज ए कॉमन सो हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए ओके इसी को अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी दिस इज ए माइनस बी राइट यहां से हम लोग ए माइनस बी को कॉमन ले लिया तो बचा हमारा फैक्टर ए माइनस सी यही चीज था ना यहाँ पे सो वी कैन राइट हेयर ए इंटू ए

अगर हमें और ये स्टेप प्रूफ करना है फाइनल सो वी कैन से डैट ए प्लस डी इज इक्वल टू इसको ट्रांसपोज करेंगे बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी यहाँ पर देख लेंगे ध्यान से डिवाइड बाई ए तो यही चीज़ प्रूफ हो गया तो सिंपल सा ये कभी कभी हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं प्रूफ को देखते हैं और उसी को एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम प्रूफ कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपल सा प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया बहुत ईजी क्वेश्चन था ये लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करने के लिए बैठ जाएंगे तो आप एक बार देखिए सॉल्व करके कितना देर में सॉल्व होता है ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं राइट right. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन है इफ वर्क डन बाई एक्स माइनस वन मैन इन एक्स प्लस वन डेज इज टू द वर्क डन बाई एक्स प्लस टू मैन इन एक्स माइनस वन डेज इन द रेशियो नाइन इज टू टेन फाइंड एक्स देखिए वर्क क्या होता है कोई भी वर्क हम कंप्लीट करते हैं बाई यूजिंग मैन पावर और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क एंड टाइम के लिए एंड मैन पावर होना चाहिए हमारे पास और टाइम होना चाहिए टाइम क्या किस में होगा हमारे पास डेज में हो सकता है आवर में हो सकता है तो कुछ आदमी कुछ टाइम के लिए करेगा तो वो हमारा वर्क होगा सो वर्क इज डिफाइन एज नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाई बाई अगर टाइम का यूनिट डेज में है सो डेज सो वर्क कैन बी रिटेन एज एम इंटू डी और इसका यूनिट क्या होगा मैन डेज क्योंकि ये मैन है एम जो है नंबर ऑफ मैन है और डी डेज है नंबर ऑफ डेज यूनिट हमारा मैन डेज हो जाएगा सो एम इन टू डी इज वर्क अब क्वेश्चन में आइए इफ द वर्क डन एक्स माइनस वन मैन इन एक्स प्लस वन डेज चलिए तो डब्ल्यू इज एक्स माइनस वन नंबर ऑफ मेंस हो गया नंबर ऑफ डे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन इज टू यहां पर रेशियो दे रखा है वर्क डन दूसरा वर्क हो गया ये एक्स प्लस टू इन इन एक्स माइनस वन डे सो सपोज दिस इज डब्लू वन दिस इज डब्लू टू सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन अब कह रहा है कि डब्लू वन ओवर डब्लू टू जो है वो नाइन ओवर टेन के रेशियो में है तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्या यहाँ पे हमें फाइंड करना एक्स तो रेशियो का पार्ट है हमारा w1 वन की जगह एक्स माइनस वन करेंगे एक्स प्लस वन करेंगे डिवाइड बाई एक्स प्लस टू करेंगे इंटू एक्स माइनस वन यहाँ पे लिखेंगे आउट राइट न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे टेन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू नाइन एक्स प्लस एटीन सो अरेंज करेंगे नाइन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू एटीन माइनस टेन सो एट तो एक्स की वैल्यू हमारे पास एट आ गई तो so, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली बेस क्वेश्चन है किसका वर्क एंड टाइम का जो चैप्टर है फेवरेट चैप्टर है किसका कैट uh, का तो वर्क और टाइम का ये बेस क्वेश्चन हो जाता है आगे अगर हम देखेंगे हमारे पास बहुत क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब हमारा टाइम एक्सीड कर चुका है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे मिक्सचर का बेस क्वेश्चन बन जाएगा मिक्सचर वाले चैप्टर का ये हमारा जो है एलिगेशन और मिक्सचर का बेस क्वेश्चन बन जाएगा ये हमारा अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी हमारा बेस क्वेश्चन बन जाएगा किसका टाइम एंड डिस्टेंस का ओके okay, ये प्रोपोर्शनल का कौन क्वेश्चन uh, आ जाएगा प्रपोर्शनलिमिटी में हम लोग कैसे uh, करते हैं इन्वर्स प्रोपोर्सनल या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ओके ये भी प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है ये भी प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है आगे हम देखेंगे ये भी प्रोपोर्शनल ये सब बहुत इसी पे इ, इस क्वेश्चन पे बेच ना जाने कितने ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आज तक बहुत सारे एग्जामिनेशन में तो अब जो हम करने वाले हैं ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है और नेक्स्ट क्लास में हम एक और क्लास थोड़ा सा बढ़ाएंगे जिससे कि जो कैट का लेवल है उसको मैच अच्छा से कर पाए ठीक है तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को आप अपने दोस्तों में या फिर अपने कलीग्स में शेयर कीजिए जिससे कि ये बहुत स्टूडेंट तक पहुंच सके पेपर नज़दीक है लग जाइए तैयारी में अच्छा से ठीक है आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे कैट के लिए तो कैट निकलेगा अगर आप ट्रिक को लेकर पढ़ाई करेंगे तो कैट कभी भी नहीं निकलेगा बाकी सब पेपर निकल सकता है कैट कभी भी नहीं निकलेगा क्योंकि कैट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ठीक है आपके दिमाग को वो खंगालता है जो रटता है पेपर को उसका नहीं हो पाएगा उसका क्लियर नहीं हो पाएगा सो हर एक पॉइंट पे हाउ वाई नॉट का क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हैव ए गुड डे जय हिंद बाय बाय